हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सी ए मनोज गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ GSTR 3B में आज बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस किए गए हैं। GSTR 3B को फाइल करना अब और भी आसान कर दिया गया है। ज़्यादा बातें न करते हुए हम सीधा GST पोर्टल पर चलते हैं और लॉगिन करने के बाद जब आप रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, फाइलिंग पीरियड जनवरी जब आप एंटर करेंगे और GSTR 3B जनवरी के लिए जब आप ऑनलाइन फाइल करने पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन होगी, फाइलिंग GSTR 3B इज नाउ मेड मोर यूजर फ्रेंडली, जिसमें कि कुछ बातें बताई गई हैं, कैसे कैसे आपको फैसिलिटीज दी गई है, क्या क्या आपके लिए ईजी किया गया है। सिंपली मैं इनको रीड करता हूं, तो फिल आइदर CGST और SGST, UGST अमाउंट, अदर टैक्स विल गेट ऑटो फिल। तो दैट मींस अगर आप CGST की अमाउंट फिल करेंगे तो अपने आप ही SGST की अमाउंट फिल हो जाएगी। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं CGST और SGST दोनों एक ही टैक्स रहते हैं, दोनों की टैक्स अमाउंट सेम रहती है रिटर्न फाइल करते हुए। तो अब आपके लिए इजी कर दिया गया है, आप कोई भी एक अमाउंट फिल करेंगे तो दूसरे कॉलम के अंदर अपने आप ही अमाउंट फिल हो जाएगी। उसके बाद अब आपको सभी कॉलम्स सभी डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कुछ डिटेल्स फिल करके भी फॉर्म को सेव कर सकते हैं और बाद में अपनी रिमेनिंग डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। यू कैन नाउ सेव द फॉर्म ऑन कंफर्मिंग डिटेल्स फाइल्ड इन द टेबल, यू कैन फिल बैलेंस डिटेल्स लेटर। ऐसी बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, इनको हम सीधा पोर्टल पर देख लेते हैं कि इसका कैसे क्या इम्पैक्ट होगा GSTR 3B फाइल करते हुए। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको ओके करते हैं। उसके बाद ये कॉलम्स ऑलरेडी आप इनसे परिचित होंगे, आप ऑलरेडी इनको फिल कर रहे होंगे। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विंडो रहेगी कुछ इस तरह की रहेगी, जिसमें सबसे पहली बात जो मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ, यहाँ पर जो पेमेंट की डिटेल्स रिगार्डिंग कॉलम रहता है वो यहाँ पर अब नहीं है। हम सीधा चलते हैं 3.1 के अंदर, जो हम आउटवर्ड सप्लाई के अंदर हम अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे सेंट्रल टैक्स को हम फिल करेंगे तो अपने आप ऑलरेडी स्टेट टैक्स भी फिल हो जाएगा। ये देखिए, जब मैं कोई भी अमाउंट एंटर करने की कोशिश करता हूं तो सेम अमाउंट स्टेट टैक्स के अंदर भी फिल हो जाती है, और अगर मैं स्टेट कॉलम के अंदर कुछ फिल करता हूं तो वह सेंट्रल टैक्स के अंदर फिल हो जाती है। तो अब आपको अलग अलग फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसको कैंसिल करने के बाद मैं अगेन फिर से आता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी की डिटेल्स अब यहाँ से हट चुकी है। यहाँ पर एक सेव का बटन आपको दिया गया है, उसके अलावा आप कोई भी जब आप डिटेल्स फिल कर देते हैं तो उसको सेव कर सकते हैं, रिमेनिंग डिटेल्स आप बाद में वापस आकर भी डाल सकते हैं। फिर एक प्रीव्यू का बटन दिया गया है, जिसमें कि आप GSTR 3B जो आपकी जो प्रीव्यू है, जो भी आपने डिटेल्स फिल किया उसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं जो आपने डिटेल्स एंटर की है वह ठीक है या नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि सबमिट का कोई बटन नहीं है, प्रोसीड टू पेमेंट का बटन है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो कुछ डिटेल्स रहेंगी, जिसमें कि बेसिकली सबसे पहले आपको कैश लेजर बैलेंस दिया गया है और आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर बैलेंस दिया गया है। अब आपको यहीं से ही पता चल जाएगा आपके पास कैश लेजर में कितना कैश बैलेंस अवेलेबल है और क्रेडिट लेजर में कितना आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है। और उसके बाद नीचे की तरफ आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो दी गई है, जो कि आप 3.1 टेबल के अंदर जो फिल करते हैं वहां से ऑटो पॉपुलेटेड रहती है, और यहीं से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए पे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली ही आपकी लेजर लायबिलिटी के अकॉर्डिंग बैलेंस अपने आप उठा लेगा। और इसमें से अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर इनपुट टैक्स बैलेंस कम रहता है तो जो कैश में बैलेंस पे करना है वो यहाँ पर रहेगा, उसके अलावा रिवर्स चार्ज में जो लायबिलिटी रहेगी वो रहेगी। रिवर्स चार्ज हमें पता है कि कैश में ही पे करना होता है। उसके बाद इंटरेस्ट लायबिलिटी है वह रहेगी, और जो भी आपने कैश में पेमेंट की है वो यहाँ पर आएगा। लेट फीस पेबल में आपकी लेट फीस की लायबिलिटी रहेगी, और जो भी आपने कैश में पे की है वो यहाँ पर रहेगी। उसके बाद आपका जो भी कैश बैलेंस यूटिलाइज हुआ है वो आएगा, और आफ्टर दैट अगर कैश लायबिलिटी आप ज़्यादा है और कैश शॉर्ट पड़ रहा है तो यहाँ पर एडिशनल कैश रिक्वायर्ड का भी एक कॉलम दिया गया है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपको कितने रुपए अमाउंट का चलान फिल करना है। और नीचे ही आपको दिया गया है क्रिएट चलान करने का ऑप्शन, आपको अब चलान क्रिएट करने के लिए सर्विसेज में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप डायरेक्ट चलान क्रिएट कर सकते हैं। और जितनी भी कैश रिक्वायरमेंट रहेगी उसके बेसिस पर ही आपका चलान क्रिएट कर दिया जाएगा, आपको चलान में भी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप अपनी टैक्स लायबिलिटी ऑफसेट कर सकते हैं मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर के जरिए।
और उसके बाद आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके सामने एक विंडो रहेगी। यहाँ पर मैं अपनी अभी टैक्स लाइबिलिटी सेटल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा था कि ये सब चेंजेज किए गए हैं। तो बेसिकली जो भी चेंजेज वहाँ पर हम स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वो सब चेंजेज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब आप वो चेंजेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं। जो अब आपको CGST और SGST दोनों फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक भी फिल करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके अलावा अब आप फॉर्म सेव कर सकते हैं जितनी भी आपने डिटेल्स फिल की हैं उनके साथ, बैलेंस डिटेल, रिमेनिंग डिटेल्स आप बाद में भी फाइल कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और उसके अलावा अब आपको पेमेंट्स के अंदर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ही आप पेमेंट सेट ऑफ कर पाते थे, अब आपको सबमिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रीज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और आप डायरेक्ट अपने टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर पहले आप सबमिट करने के बाद किसी भी कॉलम के अंदर चेंज, किसी भी टेबल के अंदर चेंज नहीं कर पाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है, आप सबमिट करने से पहले अपनी किसी भी कॉलम को, किसी भी टेबल को चेंज कर सकते हैं। और कैश लेजर बैलेंस और क्रेडिट लेजर बैलेंस आपके सामने रहेंगे जैसे आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उनके पास जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा उसको वह एडजस्ट कर लेगा। और जैसे ही आप उसको कन्फर्म करेंगे, अगर कोई भी शॉर्टफॉल है क्रेडिट लेजर की या कैश की, तो वह आपको बता देगा और उसके अकॉर्डिंग आप सीधा डायरेक्ट यहीं से ही चालान क्रिएट कर सकते हैं, आपको सर्विसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो आप चालान क्रिएट करेंगे वह प्रीफिल्ड रहेगा, जितनी की भी शॉर्टेज होगी उसके अकॉर्डिंग ही चालान जनरेट किया जाएगा। और एक बार जब आप पेमेंट कर देंगे तो डायरेक्ट पेमेंट होने के बाद सिस्टम आप फिर से पेमेंट टेबल की तरफ ले जाएगा और जहाँ पर आप क्लिक करेंगे प्रोसीड टू फाइल करेंगे उसके बाद EVC कोड या DSC के जरिए सबमिट कर सकते हैं और आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं GSTR 3B के अंदर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।